ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। लेकिन उससे पूर्व एक चीज का जरूर ध्यान रखें, जब भी हम योग करते हैं तो योग में मन और बुद्धि दोनों बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर हैं। मन मनन करता है और बुद्धि दृश्य देखती है। दोनों को साथ साथ हमें लेकर के चलना होता है। मन मनन करे और बुद्धि दृश्य देखे। यदि मन कुछ और सोच रहा है, बुद्धि कुछ और देख रही है, तो एकाग्रता नहीं होगी, अनुभूति नहीं होगी। कैसे? सिंपली आप एक प्रैक्टिस करके देखें। अपनी आंखें बंद करें, आंखें बंद करें और आंखें बंद करके चलिए। सभी अपने अपने घरों में चलेंगे। देखिए, यहां से मैं वापस जा रही हूं अपने घर में। सफेद लाइट ही रखें। अपने घर में वापस जा रही हूं, अपने घर में एंटर कर जाएं, किचन में पहुंच जाएं। देखें किचन में टोकरे में नींबू रखे हुए हैं या फ्रिज में नींबू रखे हैं। उस नींबू को निकालिए, चाकू से काटिए और काट कर उसे अपने मुख में निचोड़िए। टप टप टप, नींबू का रस बहुत खट्टा है जिससे मेरे दांत खट्टे होते जा रहे हैं। मुख लार से दूसरा स्लाइस भी निचोड़े अपने मुख में। टप टप टप, नींबू का रस बहुत बहुत खट्टा है, मेरे दांत खट्टे होते जा रहा है। पास ही खट्टी इमलियां रखी हुई हैं कच्ची, उसे भी उठाएं, चूसें उसे। इमली बहुत खट्टी है, मेरा मुख बिल्कुल लार से भरता जा रहा है, दांत खट्टे होते जा रहे हैं। अपनी आंख खोलें। किस किस के मुंह में पानी आया, जरा हाथ उठाएं। अच्छा, जिन्होंने हाथ नहीं उठाया शायद उनके घर में नींबू नहीं था। वो ढूंढ ही रहे थे कि भाई नींबू कहाँ है, क्या काटे हैं। अच्छा ये बताएं, आप यहाँ बैठे हुए थे, हाँ, आपके मुख में यहाँ बैठे बैठे पानी कैसे आ गया? मन से आप मनन कर रहे हैं, सोच रहे हैं, बुद्धि से उस दृश्य को देख रहे हैं, इसीलिए यहाँ बैठे बैठे ही आपके मुख में नींबू निचोड़ा नहीं गया लेकिन मुंह लार से भर गया। इसी टेक्निक को हमें योग में भी यूज करना है, योग में भी इसे यूज करना है कि हम बिल्कुल ही जो चिंतन कर रहे हैं उसी को देखें। जितना अच्छा आपका मनन होगा और जितना अच्छा आप उस दृश्य को देख पाएंगे उतना ही आप एकाग्र होंगे।